सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 वर्षीय एक बलात्कार पीड़िता के 26 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय बाई चंद्रचूड़ की पीठ ने चंडीगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से इस मामले में न्याय मित्र के रूप में न्यायालय की मदद करने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता का 26 जुलाई को चिकित्सकों के बोर्ड से परीक्षण कराने का भी निर्देश दिया था। पीठ ने यह भी कहा कि मेडिकल बोर्ड को इस पहलू की भी जाँच करनी होगी कि यदि वे गर्भ समापन की अनुमति दे तो पीड़ित लड़की के जीवन के प्रति कोई खतरे की क्या संभावना है। न्यायालय ने सदस्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि बलात्कार पीड़िता को उसके माता पिता में से एक को PGI चंडीगढ़ में परीक्षण हेतु जाने के लिए उचित सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हर पल सच्ची खबर के लिए आज ही सब्सक्राइब करें।